हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम योर मैथ्स टीचर ज्योति राघव। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच टू ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। देखिए क्या कहा है, फ्रस्टम ऑफ कॉन है। फ्रस्टम आप पढ़ चुके हैं कि फ्रस्टम कैसी शेप का होता है। इसके साथ में हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर अटैच कर दिया है। इफ द टोटल हाइट, इस पूरी सॉलिड की जो हाइट है दैट इज 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर। जो हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका डायमीटर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल कैसी शेप का है हमारा, ये टॉप जो है वो सर्कुलर शेप का है, लेकिन ये फनल हमारी है जो इसका अपर जो पोर्शन है वो फ्रस्टम शेप का है। तो उसके ऊपर जो सर्कुलर शेप है उसका डायमीटर कितना गिवन है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, फनल को बनाने के लिए कितनी टिन शीट की रिक्वायरमेंट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जब हम टिन शीट बना रहे हैं सो सिर्फ देखिए हमें क्या करना होगा, इसकी बाउंड्री फ्रस्टम की, ये कर्ड सरफेस, ये वाला कर्ड सरफेस यूज होगा, ऐसे ही सिलेंडर का ये कर्ड सरफेस यूज होगा। ठीक है, ओनली क्या यूज हो रही है, टिन शीट, सिर्फ बाउंड्री, बाउंड्री में टिन शीट यूज हो रही है, इसके अलावा हम कहीं नहीं कर रहे। यदि मैं ऊपर टॉप पे टिन शीट को यूज कर देती हूं तो वो यहां से फिल हो जाएगी, तो ऑयल डालेंगे कैसे, क्यों, क्लियर है नहीं बात। यदि हम ऊपर से टिन शीट लगा देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो ऑयल कैसे डालोगे, वो तो डाल ही नहीं पाओगे, फिर फनल कैसे बन गया। यदि हम यहां बीच में लगा देते हैं तो वो ऑयल हमारा यहां से यहीं आगे रुक जाएगा, वो नीचे नहीं जा पाएगा। और यदि हम लास्ट बॉटम में लगा देते हैं तो फनल का बेनिफिट क्या हुआ, आप डालोगे वो यहीं तक ही रुक जाएगा, फनल ही सिर्फ फिल हो पाएगी। नीचे जो भी आप सॉलिड रखोगे जिसके अंदर आपको ऑयल अपना स्टोर करना होगा, ऑयल फनल हम किस लिए यूज करते हैं कि यदि हम डायरेक्ट किसी सॉलिड से दूसरे सॉलिड में डालते हैं तो हमारा ऑयल गिर सकता है बाहर, ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फनल का यूज करते हैं कि फनल से हम एक सिक्वेंस के अंदर उसको डालते रहेंगे। तो फनल हमारा कभी भी टॉप, बॉटम या मिड से क्लोज नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। तो टिन शीट सिर्फ कहां यूज होगी, इसकी बाउंड्रीज में यूज होगी बनाने के लिए, और हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। सो हमें गिवन क्या क्या है, देखिए जो हमारा टॉप फ्रस्टम वाला शेप है उसका हमें डायमीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम वो हमें गिवन है कितना बचे, 18 सेंटीमीटर। सो डायामीटर 18 गिवन है, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 18 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम इसको आर वन से रिप्रेजेंट कर देती हूं, और ये हाफ ऑफ द डायामीटर होके कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अब हम जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है उसके बॉटम का सर्कुलर ले लीजिए या फिर फ्रस्टम का ले लीजिए, दोनों का क्या होगा, रेडियस और डायामीटर सेम होगा। सो हम यहां कहते हैं कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर इसको हम आर टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका डायामीटर 8 है तो कितना आ जाएगी इसकी रेडियस, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम फाइंड करते हैं हाइट, हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब हाइट ऑफ फ्रस्टम देखिए, हमें कंप्लीट सॉलिड की हाइट गिवन है 22, इसमें से यदि हम सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट माइनस कर दे तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, फ्रस्टम की हाइट आ जाएगी। सो कंप्लीट सॉलिड की हाइट हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, और इसमें से हम 10 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी किसकी, फ्रस्टम की। इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी ऑलरेडी हमें हाइट गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ
tin sheet. Area of tin sheet required is equals to, देखिए कितनी tin sheet की requirement होगी हमें. First of all हमें curved surface बनाना होगा, किसका? Frustum का. So frustum का हमें क्या लेना पड़ेगा? CSA, curved surface area of frustum. So curved surface area of frustum का formula आप लोगों को पता है, pi L R1 plus में R2 means दोनों radius, pi L plus में sum of radius. Plus में हमें क्या लेना होगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चे? 2 पाई आर एच. अब आर यहां कौन सी यूज होगी? बॉटम में जो थी. तो कितनी थी इसकी रेडियस? आर टू. सो 2 पाई आर टू एच. तो हम यहां फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे कि हमें एल की रिक्वायरमेंट है. एल क्या होता है? एल इज द स्लेंट हाइट. ये दिस इज द स्लेंट हाइट. हमें स्लेंट हाइट निकालनी होगी. सो स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों रेडियस को माइनस करेंगे, बॉटम एंड टॉप, मींस आर टू माइनस आर वन या फिर आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर. सो आर टू माइनस, सॉरी ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, चाहे आप इधर स्क्वायर लगाइए या फिर राइट हैंड साइड में आप रूट लगा लीजिए. ठीक है. So, L की वैल्यू R2 माइनस R1, इसकी रेडियस है 9 और इसकी रेडियस है 4. 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में हाइट. हाइट हमारे पास फ्रस्टम की कितनी है? 12. सो 12 का स्क्वायर. 9 माइनस 4 दैट इज 5. 5 का स्क्वायर इज 25. 12 का स्क्वायर इज 144. इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वी विल गेट अंडर रूट 169. और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का. हम 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 13. और स्क्वायर रूट में जब पेयरिंग बन जाती है, पेयर बन जाता है, तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है. सो 169 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 13. सो 13 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा और हमारे पास स्लेंट हाइट की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं. सो यहां से हम पहले किसको कॉमन निकालेंगे? पाई को. ठीक है. यहां हमारे पास एल, एल कितना है? 13. नाउ आर वन प्लस में आर टू, 9 प्लस 4 प्लस 2 इंटू में पाई आपका बाहर आ चुका है. आर टू, आर टू आपके पास कितना है? 4. और हाइट आपके पास कितनी है? 10. अब पाई की वैल्यू 22/7 हम यहां रिप्लेस कर देते हैं. 13 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. सो 9 प्लस 4 इज 13 प्लस में 4 टू जा 8, 8 10 जा 80. सो अब यहां हमारे पास क्या आ गया? 22/7 इंटू 13 इंटू 13 169 प्लस में 80. सो 22/7 विल रिमेन सेम. यहां हम इसको सोल्व करते हैं. 169 में क्या ऐड कर देंगे? 80. सो वी विल गेट 249. क्लियर है. अब हम क्या करते हैं? 22 की मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की मल्टीप्लाई करते हैं 249 के साथ. तो हमें क्या मिल जाएगा? 5478. अब इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 7 के साथ. ठीक है. ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया. जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सो कितना मिल जाएगा? हमें किसको डिवाइड करना है? 5478 को 7 से डिवाइड करना है. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 782.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतनी टिन शीट की हमें क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी. सो देखिए स्टूडेंट, हमें ये बनाना था सॉलिड. ठीक है. ये फनल बनानी थी. फनल कैसी शेप की थी हमारी? फ्रस्टम. और फ्रस्टम के साथ किसको अटैच किया गया था? सिलेंडर को अटैच किया था. सो फनल हमारी ना ही तो टॉप से क्लोज होती है, ना मिड से और ना ही बॉटम से. ठीक है. वो ओपन होती है. तो सिर्फ कर्व्स में ही क्या यूज होगा? जो हमारी बाउंड्रीज है उसमें टिन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. इसलिए हमने क्या लिया? सीएसए ऑफ फ्रस्टम प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर. सीएसए ऑफ फ्रस्टम इज पाई एल आर वन प्लस आर टू. तो एल की रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ पे एल को फाइंड आउट किया. प्लस में सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए 2 पाई आर एच. ठीक है.
रेडियस हमने किससे रिप्रेजेंट की थी, आर टू से, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आर टू। सो अब इन दोनों का एरिया निकालेंगे, उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितनी टिन शीट की हमें रिक्वायरमेंट है, हमें परचेज करनी पड़ेगी क्या बनाने के लिए, ये फनल बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपके जो लाइक्स है वो टीचर को मोटिवेट करता है, वो आपके लिए अच्छी अच्छी और नए नए क्वेश्चन सर्च करके लेके आता है और आपको दुगने जोश के साथ पढ़ाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।